It's time to experience something glorious. An Academy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you. An Academy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. An Academy Combat. Register now. Dear friends, once again welcome to An Academy. कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? Okay. I hope the audio and video are clear. और दोस्तों session को like और share कर दीजिएगा सब लोग, तभी आएगा मजा पढ़ने में. देखो share ही नहीं करते हो session. चलिए start करते हैं. दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त ऐश्वर्य, पढ़ाता हूं आपको गेट ईएससी के लिए. आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, बीटेक फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया. फोर टाइम्स आई हैव क्वालिफाइड गेट विद माय बेस्ट ईआईआर 226. 7 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस और 2 सालों का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है मेरे पास. और ये सारे सब्जेक्ट्स कराता हूँ मैं आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ऑफ अन अकेडमी. एंड दोस्तों ये है मेरा कोड जो आप लगा सकते हो कोई भी अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने से पहले. एंड दिस कोड इज वैलिड इन गेट एंड ईएससी. In fact, you guys can also support and promote this code at various other competitive field. So indirectly, आपके लिए एक universal code है. कोई भी आपका friends या relative तैयारी करना चाहता है SSC JEE, IIT JEE, CBSE, civil services etc. तो आप इस code का promote कर सकते हो and you can avail an instant 10% off. Okay, चलिए. Welcome dear शिवानी. दोस्तों अब रिक्वायरमेंट क्यों है हमें प्लस और आइकॉनिक की, लेट अस टॉक अबाउट. प्लस पे हम आपको देते हैं डेली लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेस, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस. सो इन बोथ द लैंग्वेजेस कोर्सेज आर अवेलेबल. रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस भी यहाँ पे अवेलेबल है. बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द आइकॉनिक प्लान विच इज़ द सुपर सेट ऑफ प्लस, देन एट आइकॉनिक along with the all features of this plus you are going to get a personal coach. और ये personal coach
हेल्प करेगा आपकी इन दी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ योर स्टडी, फॉर योर बूस्टर सेशंस, फॉर दी एनालिसिस ऑफ योर टेस्ट। स्पेशलाइज्ड नोट्स प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलते हैं और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर आपको कर दिया जाता है असाइन। सो चाहे मामला हो आइकॉनिक का या प्लस का, सो फील फ्री टू यूज दिस कोड AISH10DR, इजंट इट। और कॉम्बैट की बात अगर मैं आपसे करूं तो हर एक इतवार सुबह 11 बजे आपको देना है कॉम्बैट। क्यों देना है? क्योंकि यहाँ पे आपको हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं चैलेंजिंग एंड ओरिजिनल गेट क्वेश्चंस विच आर क्रिएटेड बाय आवर बेस्ट एजुकेटर। ओके, चलिए अब प्लस की बात की जाए तो प्लस के सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो ये प्राइजेस हैं और इस पे नो कॉस्ट EMI हम आपको दे रहे हैं आजकल, और नो कॉस्ट EMI पे भी आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिलेगा। ओके, और आइकॉनिक के प्राइजेस भी ये हैं आपके सामने, यहाँ भी आपको नो कॉस्ट EMI मिल रहा है और नो कॉस्ट EMI के ऊपर यहाँ पे भी आपको इंस्टेंट 10% ऑफ दिया जा रहा है, इजंट इट। चलिए अब अनअकैडमिक गेट एंड ESC में आप अपना सब्सक्रिप्शन जल्दी प्लान करें अगर आप करना चाहते हो, बिकॉज सून वी आर गोइंग टू अगेन हाइक आवर प्राइजेस एंड फॉर द टाइम बींग यू कैन गेट इवन 10% डिस्काउंट इफ यू आर यूजिंग दिस कोड AISH10। अच्छा, आजकल ना आपके लिए एक ऑफर भी हम लोगों ने चला रखा है। ओके, जस्ट एस योर गेट एंड ESC फॉर गेट 2022 एंड आपको सब्सक्रिप्शन लेना है टिल गेट 2022 और ESC 2022 का कम्प्लीमेंट्री हम आपको देंगे, मतलब कि 3 महीने का एक्सटेंशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप अभी अपना 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो देन यू आर गेटिंग इट फॉर 9 मंथ्स, मीन्स 3 मंथ्स यू आर गेटिंग फ्रॉम आवर साइड। तो इंस्टेंट 10% ऑफ है, एडिशनल 3 मंथ्स है, नो कॉस्ट EMI आपके लिए है। सो आई थिंक ऑल दीज रीजंस आर वेल सफिशियंट टू एक्सटेंड योर टू ग्रैब योर सब्सक्रिप्शन। ओके, चलिए अनअकैडमी आस्क ए डाउट एक सीरीज है जहाँ पे क्वेश्चन होंगे आपके और जवाब होंगे हमारे। आप कोई भी डाउट पूछिए, किसी भी टाइम पूछिए, आपको एक वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में भी और हिंदी लैंग्वेज में भी, एंड नाउ यू कैन रिसीव द एग्जैक्ट मैचेस फॉर योर क्वेश्चंस। एंड यार स्पेशल क्लासेस की बात करूँ तो आई एम स्टार्टिंग माय स्पेशल क्लासेस सून और मेरा पहला स्पेशल क्लास इस मंथ का आएगा कल अराउंड 6 or 7 PM। एंड क्यों आपको स्पेशल क्लासेस चाहिए? बिकॉज दीज आर इंटरेक्टिव इन नेचर, लर्नर्स के लिए पोल्स है, लीडरशिप बोर्ड्स है। ओके, नाउ यू कैन इवन रेज ए हैंड, यू कैन टॉक टू योर एजुकेटर इन द लाइव क्लासेस। ओके, यू आर नाउ यू विल नॉट गोइंग टू मिस योर क्लास बिकॉज बिफोर एवरी क्लास यू आर गोइंग टू गेट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस। लेक्चर नोट्स आपको मिलते हैं किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, कहीं से भी इसको एक्सेस कीजिए। डजंट मैटर कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, चाहे आप विंडोज पे हो, चाहे आप iOS पे हो, चाहे आप एंड्रॉयड पे हो, so you guys will be able to access this from each and every kind of software interface. और नया बैच लेके आए हैं आपके लिए एक्सेलरेट और आरोहन में, सो क्रैक गेट 2022 में JS गिल सर स्टार्ट करेंगे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल, एंड आरोहन बैच में भी JS गिल सर स्टार्ट कर रहे हैं आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल। टाइमिंग्स आर 10:30 AM एंड स्टार्ट डेट इज 8 September, मतलब कि कल सुबह आपको, मतलब कि आज ये आपका कल सुबह 10:30 पे आपके बैचेस होने वाले हैं स्टार्ट। और AISH10 तो है ही आपको इंस्टेंट 10% ऑफ देने के लिए, इजंट इट। चलिए तो करें स्टार्ट अपने सेशन को। चलिए, अच्छा नॉन टेक्निकल वालों के लिए भी एक अच्छी खबर है कि सेकंड बैच आपका स्टार्ट हो रहा है ऑन ICT और इसको भी डील करेंगे सौरभ सर, और ये बैच रहेगा आपका 11:30 बजे और ये भी स्टार्ट हो रहा है कल। तो नॉन टेक्निकल बैच जो कि आजकल कम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है आपको आपके सब्सक्रिप्शन पे। ओके, सो वेरी गुड इवनिंग डियर रितु। चलिए अब करते हैं सेशन स्टार्ट। आई थिंक एनफ इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन टू यू रिगार्डिंग आवर प्लान्स एंड टाइम टेबल। सो लेक्चर नंबर 43 और बात करनी है हमें ट्रसिस के ऊपर, तो ट्रसिस का तीसरा लेक्चर है आज।
पहले लेक्चर में मैंने आपको assumptions बताए थे, ट्रसिस क्या होता है ये समझाया था। कल के लेक्चर में हमने एनालिसिस के स्टेप्स देखे थे, मेथड ऑफ जॉइंट के बारे में पढ़ा था और एक क्वेश्चन भी किया था मेथड ऑफ जॉइंट के ऊपर। और आज का सेशन जो है वो भी है आपका एनालिसिस के ऊपर। यहाँ पे हम मेथड ऑफ जॉइंट के बारे में बात करेंगे और फिर जीरो फोर्सेस मेंबर के ऊपर कुछ बातें करेंगे। वेरी गुड इवनिंग डियर विजय, कैसे हो? सो सक्सेसफुली वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर थ्री फेजेस, नाउ द फोर्थ फेज इज ऑन गोइंग, ठीक है। और सबसे बड़े बड़े तीन मॉड्यूल हमने खत्म कर लिए हैं। अब ये जो मॉड्यूल्स आप देख रहे हो दे आर स्कोरिंग इन नेचर, इसमें टाइम ज्यादा लगने वाला नहीं है, टॉपिक जो है वो काफी इजी रहेंगे, ठीक है। तो जॉइंट्स के बारे में जिक्र होगा आज और जीरो फोर्सेस मेंबर के ऊपर जिक्र होगा। तो हल्का सा अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो कल हमने क्या देखा, यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड मेथड ऑफ जॉइंट, डिड यू सी यस्टरडेज मैसेज? हाँ विजय, मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपने पूछा था कि इसको मेथड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन या स्लोप डिफ्लेक्शन से किससे सॉल्व करें, तो दोनों के साथ ही वो फ्रेम सॉल्व करना एक जैसा काम है। बट माई पर्सनल ओपिनियन वुड बी गो फॉर स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। अगर आप किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू सॉल्व इक्वेशंस जॉइंट अननोन्स, तो मैं बोलूंगा जैसे मैटलैब एक सॉफ्टवेयर है जहां पे आप मैट्रिसेस सॉल्व कर सकते हो या साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो बड़े बड़े ऑर्डर की, तो मैं कहूंगा कि जो फ्रेम आपने कल मुझे भेजा था उन सब का जॉइंट इक्विलिब्रियम बनाइए, इक्वेशंस बनाइए और मैटलैब में वो इक्वेशंस आप डाल दीजिए और सॉल्व कीजिए। आई डू नॉट नो वेदर यू नो अबाउट मैटलैब और नॉट, बट मैटलैब इज द सॉफ्टवेयर जो आपकी मैथमेटिकल साइमल्टेनियसली मल्टीपल इक्वेशन को सॉल्व करने के काम आता है। देयर यू कैन गेट यूर लीनियर इक्वेशन इन 10 वेरिएबल टू 15 वेरिएबल आंसर्स विद इन 15 टू 20 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि मैनुअली आप उसको सॉल्व करोगे देन इट इज गोइंग टू टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, और कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बट यू कैन अचीव दैट विद द हेल्प ऑफ दैट मैटलैब, ओके। सो मेथड ऑफ जॉइंट्स वी हैव सीन यस्टरडे, चार स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। व्हाट वाज दोज स्टेप? फर्स्ट वन इज प्रोसीजर, कुछ अलग नहीं होगा विजय। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में कोई डिफरेंस है ही नहीं, वही शियर इक्वेशन है, वही जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, ठीक है, बट स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से उसको करेंगे सॉल्व। तो मेथड ऑफ जॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो चार स्टेप्स हम लोगों ने कल पढ़े थे। पहला स्टेप था क्या, फाइंड द एक्सटर्नल रिएक्शन। दूसरा स्टेप क्या था, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट जॉइंट विच इज हैविंग एटमोस्ट टू अननोन। ओके, आई एम अ वेस्ट पुअर कंसेप्चुअल सर, हाउ टू इम्प्रूव डियर अंबती? अरे डियर, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। हाँ, अगर हाउ टू इम्प्रूव तो उसका जवाब मेरे पास यही है कि मेक एनफ अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। नाउ यू कैन फाइंड एन नंबर ऑफ लेक्चर्स ऑन ए सेम टॉपिक बाय डिफरेंट एजुकेटर ऑन इंडियाज लार्जेस्ट यूट्यूब सिविल चैनल विच इज़ अन अकेडमिक HCECH। तो इसी के अंदर आपको दुनिया भर के वीडियोज़ मिलेंगे एंड यू वुड बी एबल टू एक्सेस दीज वीडियोज़, और आप एक अपने रूटीन के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए और प्रैक्टिस करना कर दीजिए स्टार्ट, इजंट इट? एंड नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, ओके। सो स्टॉप यूजिंग दीज सच काइंड ऑफ वर्ड्स दैट आई एम वेस्ट, आई एम पुअर कंसेप्चुअली सर, ओके। कोई भी ये सब कंसेप्ट पहले से सीख के नहीं आता, यहीं पे आने के बाद लोग सीखते हैं, ओके। सो डू नॉट वरी फॉर दैट, इट्स ऑल अबाउट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑल, ठीक है। तो आपको मेथड ऑफ जॉइंट की अगर बात करूं तो एक्सटर्नल रिएक्शन आप निकालिए। अच्छा, प्रफुल भाई भी आ गए हैं। यस विजय, डेफिनेटली आई विल बी चेक, प्लेलिस्ट का मैटर अभी भी है। अच्छा प्रफुल, आपके नोट्स देखे थे यार मैंने, बहुत ही शानदार नोट्स हैं आपके, वेल डन, ठीक है ठीक है। आपके जो नोट्स हैं वो बहुत ही शानदार है, ठीक है, और कुछ जो मेरे थोड़े बहुत फीडबैक होंगे वो मैं आपको पर्सनल मैसेज से टेलीग्राम पे बता दूंगा, बट गुड।
आपने वो शेयर किए सबके साथ, सबको उसमें से कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिलेगा, उनका टाइम बचेगा, ठीक है। चलिए एक्सटर्नल रिएक्शन फाइंड करके यू हैव टू आइडेंटिफाई द जॉइंट। Which has at most two unknowns, हाँ गेट के लिए क्या वो ईएससी के लिए भी मेरे को ठीक लग रहे हैं, रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से वो गेट छोड़ो वो ईएससी के लिए भी अच्छे हैं। थर्ड स्टेप था यूज समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो एंड फाइंड दिस अननोन फोर्सेस और फाइनली स्टेप नंबर फोर क्या था मेरे पास, रिपीट स्टेप टू एंड थ्री। और फिर क्या था इसके बाद, हमने क्वेश्चन लिया था और क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व भी किया था मेरे साथ साथ, ठीक है। तो आज एक क्वेश्चन और उठाते हैं, आज एक क्वेश्चन और उठाते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। जीरो फोर्स मेंबर, हाँ इस क्वेश्चन के बाद जीरो फोर्सेस मेंबर का जिक्र करेंगे डियर, इस क्वेश्चन के बाद जीरो फोर्सेस मेंबर का भी जिक्र करेंगे, ये तो मुझे पता आप कर लोगे। सिंपल सा प्रॉब्लम दे रहा हूं एकदम, ओके। नाउ गिव मी दी मेंबर फोर्सेस, गिव मी दी मेंबर फोर्सेस, ओके एच ए 80 kilonewton, ओके। अच्छा ये 6 है ये 8 है तो ये आपका 10 हो जाएगा बाय यूजिंग फाइथागोरस थ्योरम, फाइथागोरस थ्योरम, ओके वेरी गुड विजय, 80 एच ए इज 80, गुड। तो इसको अगर रखेंगे यहाँ पे
ठीक है, डीएस क्यों निकालोगे डियर, डीएस क्यों निकालोगे, इट इज डिटर्मिनेट, अभी तो डिटर्मिनेट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। द स्टेप नंबर वन, फाइंड द एक्सटर्नल रिएक्शन। ओके, आर बी और आर ए निकाल के बैठे हैं डियर विजय। डीएस निकालने का नंबर ऑफ कट मेथड से, नंबर ऑफ कट से डीएस चलो निकाल देता हूँ अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पे, अगर आप इसमें एक कट और दो कट लगाओगे। ओके, तो आफ्टर दैट यू कैन से दैट डीएस इज इक्वल टू 3c-ca, तो दो कट लगे मेरे 3x2 माइनस कंस्ट्रेंट, देखो दो मेंबर जुड़ रहे हैं, एक कंस्ट्रेंट यहाँ पे, दो मेंबर जुड़ रहे हैं, एक यहाँ पे एक रोलर का और एक हिंज का, और दो मेंबर का एक एक प्लस एक, तो दो और ही कितना हो जाएगा, तीन और दो पाँच और एक छः, सो टोटल इट इज 6-6 विच इज 0, मीन्स इट इज स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट। ठीक है, ठीक है। फरहीम, हेलो डियर, आई एम परफेक्टली फाइन, हाउ आर यू। ठीक है, तो फिर हाँ एंड में देखूंगा, एंड में रिमाइंड करवाना मेरे को, ठीक है, एंड में रिमाइंड करवाना डियर। ठीक है, सो नाउ इट इज हैविंग टोटल टू अननोन फोर्सेस, वन एच ए, ठीक है, और ये मान लीजिए आपका आर ए है, ये आपका आर बी है, अगर मैं यूज करता हूं समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो विजय भाई ने पहले ही बोल दिया था कि सर एच ए जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 80 kN, मीन्स एच ए इज 80 kN, और उसके बाद अगर मैं यूज करता हूँ समेशन ऑफ एम जेड इज इक्वल टू जीरो अबाउट ए ले लो, तो हो जाएगा माइनस आर बी इंटू 6 प्लस 80 × 8, सो आर बी जो होगा दैट इज 80 × 8/6 और 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3, 33% ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 106 सही बता दें, 106.67, और आर ए प्लस आर बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, सो आर ए इज गोइंग टू बी माइनस 106.67, सो इट मीन्स दैट एच ए आर ए एंड आर बी आर नॉन टू यू नाउ, अभी कितने हो गए, ठीक है, अभी कितने हो गए 100, ये कितने हो गए, और ये कितना हो गया, ठीक है, ठीक है कि नहीं है, यस ए भी जीरो होगा, एग्जैक्टली ए भी जीरो होगा, ऐसे देख लो, अब अगर आप बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो 106 यहां चले जाएगा, और बी को बैलेंस करने के लिए कोई है ही नहीं, मतलब नेट फोर्स ऑन दिस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो एंड इट कैन ओनली पॉसिबल इफ ए बी जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी पे कंप्रेशन और ए बी कितना हो जाएगा जीरो, और ए सी की बात करेंगे देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी बाय ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट ए, तो अगर पहला मैं एफ बी डी बनाऊँ बी का, सो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट बी, अगर मैं जॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं देन दैट इज अ केस,
इट्स 106.67 और ये है मेरे अननोन. अननोन को मैं कैसा मानता हूँ, टेंशन. टेंशन इज अवे फ्रॉम द जॉइंट. ये हो जाएगा मेरे पास एफ बी सी और ये हो जाएगा मेरे पास एफ बी ए. नाउ टेल मी डियर क्या क्या होगा यहाँ पे. समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो करते होगा, देन ओके एच ए कितना है. अच्छा ओके ओके थैंक्स डियर विजय. इट्स 80. यस तो ये हो जाएगा मेरे पास एफ बी ए. ठीक है और अगर मैं करता हूँ यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू ज़ीरो एफ बी सी प्लस 106.67 मतलब एफ बी सी कितना आ गया नेगेटिव. और मैंने कल ही बताया था नेगेटिव मतलब बाय डिफॉल्ट इफ ईच एंड एवरीथिंग इज टेंशन देन नेगेटिव मीन्स ओनली कंप्रेसिव इन नेचर. सो तो ये तो आ गया मेरे पास जीरो और ये आ गया मेरे पास माइनस 106.67 मतलब कंप्रेशन का 106.67. ओके नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए. नाउ ड्रॉ द एफबीडी ऑफ ए. अगर मैं ए जॉइंट का एफबीडी बनाऊंगा ये तो बी ए तो जीरो ही हो गया बनाना ही नहीं है और ए सी जो है देखते हैं उसको ए सी और इसके अलावा लग रहा है ए टी एन 106. यस एंगल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. गुड विजय. पर ये तो अपना ट्राइंगल ही है ना. लेट सपोज इट इज थीटा. इफ दिस एंगल इज थीटा देन वी नो दैट कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनस 3/5 एंड साइन थीटा इज 4/5 बिकॉज इन इक्वेशन आई हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा. ओके so if I am going to perform summation of fy is equal to 0 then I can say fac sin theta. okay minus 106.67 fac is equal to 106.67 divided by sin theta and sin theta is 4/5. तो कितना बनाइए डियर कितना बनाइए 133.34 पॉजिटिव. इट मीन्स टेंसाइल पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है टेंसाइल है. सो सो ये हो जाएगा आपके पास है ना. क्लियर है कि नहीं. तो इस तरीके से ना आप लोग सॉल्व कर सकते हो चीज़ों को मेथड ऑफ जॉइंट लगा करके. काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल को हमें डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करने हैं इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर सॉल्व करने हैं तो वहाँ पर भी मेथड ऑफ जॉइंट का अलग ही इम्पोर्टेंस रहेगा. इज इंट इट. तो अच्छे से इसके ऊपर में प्रैक्टिस करनी है.
एक आपको ना प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप लोग असाइनमेंट के रूप में लोगे और कल आप लोग मुझे इसका आंसर बताओगे, ऑल ऑफ यू. ओके, आर यू गेटिंग दिस? तो ये क्वेश्चन है, लिख देता हूं होमवर्क. यार अभी कैसे जीरो हो जाएंगे, अभी तो मैंने लोडिंग ही लगाया डियर, अभी लोडिंग तो मैंने दी नहीं ना. ओके या लोड तो होंगे ना, अगर लोड नहीं होंगे तो सारे जीरो हो जाएंगे. ओके दिस इज 90 डिग्री, ये वाला जो आपका रहेगा 90 डिग्री रहेगा, ठीक है. ये 60 डिग्री है, बस आपको बेस लेंथ दे रखा है ए ए एंड ए, दैट्स ऑल. ओके बस आपको बेस लेंथ दे रखा है एंड ओनली दिस डाटा हैज बीन गिवन टू यू. दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया और ये आपको दे रखा है 20, 30 एंड 50 किलो न्यूटन. ओके सो लाइक दैट यू हैव टू कैलकुलेट द. ओके क्लियर है? चलो तो ये आपको असाइनमेंट है, करना है. नाउ लेट अस स्विच ऑन टू जीरो फोर्सेस मेंबर, ठीक है. तो ये आपके लिए होमवर्क है, कल आपने मेरे को इसका आंसर बताना है, ठीक है, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले. ओके नेक्स्ट वन इज, नाउ गिव द हेडिंग जीरो फोर्सेस मेंबर.
जीरो फोर्सेस मेंबर कुछ नहीं है, बस आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से मेंबर है जहां पे आपके फोर्सेस जीरो हो जाएंगे। जैसे देखो, आपने देखा होगा विजय जी बता रहे हैं कल से, सर इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो, ये जीरो हो जाएगा। तो मेथड ऑफ ज्वाइंट ही जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको खुद ही दिखने लग जाएगा कि व्हाट ऑल आर द मेंबर्स व्हिच आर नॉट गोइंग टू कंटेन एनी फोर्स। ओके, पहले तो ये समझो कि जीरो फोर्सेस मेंबर आपके ट्रसेस में होते हैं, रियलिटी में दे एग्जिस्ट। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे फोर्सेस है, अगर ऐसे मेंबर्स है जिन पे फोर्स नहीं आ रहा तो उसको लगाने की जरूरत क्या पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि जिन मेंबर पे जीरो फोर्स आ रहा है वो वेस्ट है, दे आर नॉट वेस्ट इन योर ट्रसेस। होता क्या है कि दे आर इंटेंशनली कैप्ट, दे आर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी अगेंस्ट बकलिंग एंड रिवर्सल ऑफ लोड। हो सकता है वेन एवर यू आर अप्लाइंग सम लोड एक्सटर्नली ड्यू टू दैट लोडिंग नो फोर्सेज आर कमिंग ऑन दैट मेंबर्स, बट देयर मे बी टाइम्स एंड ऑल वेन, मान लीजिए कभी तूफान आ गया, आंधी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, सो ड्यू टू द डिफरेंट सेट्स ऑफ लोड केस एंड ड्यू टू द डिफरेंट सेट्स ऑफ लोडिंग देयर फोर्सेज कैन एग्जिस्ट इन दैम। ओके, तो जनरलाइज वे में अगर मैं बात करूं तो कुछ मेंबर ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर कोई फोर्स ना आए, बट कभी कभार जब लोड का डायरेक्शन चेंज हो जाए, ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, लोड साइड चेंज हो जाए, देन दीज जीरो फोर्सेस मेंबर आर गोइंग टू इम्पार्ट स्टेबिलिटी। ओके, सो दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बट फॉर मेजोरिटी ऑफ द लोड केसेस इफ लोड इज नॉट कमिंग ऑन देम देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, हम किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, पता लगा सकते हैं, तो ये हम सीखेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ जीरो फोर्सेस मेंबर। ओके, सो ओनली टू थ्योरम्स आर देयर, नॉट थ्योरम्स यू कैन से स्टेटमेंट और कॉलरी, दे आर देयर। सो विद द हेल्प ऑफ देम यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट ऑल आर द पॉइंट्स वेयर जीरो फोर्सेस आर देयर, ठीक है। तो मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ, बट इस स्टेटमेंट के अलावा भी यू ऑलवेज हैव टू ओपन यूर कॉमन सेंस, ओपन यूर माइंड सच दैट यू विल नॉट बी एबल टू मिक्स एनी ऑन दैम। तो पहली स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर वन, स्टेटमेंट नंबर वन जो है दैट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट थ्री मेंबर फोर्सेस एंड इट सेज दैट इफ थ्री मेंबर्स If three members are yes, Praful is also right, Asaram. Zero forces member are provided to reduce the effective length of the other member. Yes, if three members are meeting on then the if three members are meeting on hinge joint or truss joint out of which two are collinear then the third non-collinear member
is a zero force member if no external load or force is acting at that joint. Okay, if three members are meeting on a truss joint, out of which two are collinear, then the third non-collinear member is a zero force member if no external load or force is acting at that particular joint. Are you getting this or not? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर मेरे पास कोई भी तीन मेंबर है और उस तीन मेंबर में से दो मेंबर कोलिनियर है, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस. मान लीजिए मेरे पास कोई भी तीन मेंबर है और इस तीन में से एक मेंबर जो है वो नॉन कोलिनियर है. लेट्स से ओ ए, ओ बी, ओ सी. ओके, तो ओ ए एंड ओ बी आर कोलिनियर एंड देयर इज वन मेंबर व्हिच इज नॉन कोलिनियर. ठीक है, तो मान लीजिए बेस से एंगल बना रहा है थीटा. तो स्टेटमेंट ये बोल रही है कि अगर इस जॉइंट ओ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, देन दिस थर्ड नॉन कोलिनियर मेंबर विल ऑलवेज बी ए जीरो फोर्सेस मेंबर. क्लियर है कि नहीं है? ओ सी इज जीरो. एग्जैक्टली, यस, ओ सी इज जीरो. कैसे पता लगाओगे डियर? आप क्या करोगे? लेट्स एज्यूम ए एक्सिस हेयर. लेट्स एज्यूम ए एक्सिस हेयर. ओके, एंड अनदर एक्सिस मे बी लाइक दिस. सो इट इज, इट मे बी एक्स एक्स, it may be yy. So you can see here that summation of fx, agar aap summation of fy zero karoge dear, then you can write that foc sin theta must be equal to zero. Getting it or not? And you know sin theta is not equal to zero. Sin theta is not equal to zero because OC is non-collinear member, so theta must be some non-zero thing. So theta, if sin theta is not equal to zero, then what can it do? So FOC must be equal to zero. Are you getting this point or not? Tell me. ठीक है. क्लियर है? चलिए, कोई डाउट तो पूछिए. डाउट तो पूछिए डियर. अरे आदि भाई क्या हो गया? चलिए, ओके, समझ में आया ये? सो देन FOC इज जीरो. देखो, इसी को बोला, इसी को थ्योरम बना दिए. तो जब भी कोई तीन मेंबर्स मिल रहे होंगे, वेलकम सुमित जी, क्या हाल है? इफ थ्री मेंबर्स आर मीटिंग ऑन ए हिंज जॉइंट और ट्रस जॉइंट, आउट ऑफ दिस टू आर कोलिनियर, देन द थर्ड नॉन कोलिनियर मेंबर इज अ जीरो फोर्स मेंबर इफ नो एक्सटर्नल लोड और फोर्स इज एक्टिंग एट दैट जॉइंट. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर टू. स्टेटमेंट टू सिर्फ दो मेंबर्स की बात करती है और बहुत सिंपल सी लाइन लिखता हूं मैं यहां पे. इफ टू नॉन कोलिनियर मेंबर
आर मीटिंग आर मीटिंग एट ए हिंज जॉइंट और ट्रस जॉइंट देन बोथ ऑफ दीज मेंबर देन बोथ ऑफ दीज मेंबर are zero forces member if no external load or force is applied at this joint यदि कोई भी दो नॉन कोलिनियर मेंबर किसी भी ट्रस जॉइंट या हिंज जॉइंट पे मिल रहे हैं तो ये दोनों के दोनों मेंबर जीरो फोर्सेस होंगे यदि इस जॉइंट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रहे हैं. ओके सर, आल्सो व्हेन मेंबर बोथ एंड आर हिंज सर आल्सो व्हेन मेंबर्स बोथ एंड आर हिंज इट्स ए जीरो फोर्स मेंबर. नहीं नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द लोडिंग एज वेल डियर. अगर दोनों जॉइंट ट्रस में तो हर एक एंड हिंज ही होता है. ठीक है तो ये बोल रहा है कि लेट सपोज आई डू हैव टू मेंबर्स लेट से बट दीज टू मेंबर्स मस्ट बी नॉन कोलिनियर. मान लीजिए एक मेंबर मेरा ये है और मान लीजिए दूसरा मेंबर मेरा ये है. ओके so this is some joint under consideration let's say O, and this O is not going to contain any force then both of this member is going to be zero force member. We can even see it from the method of joint. Let's say it is OA, it is OB and let's suppose this angle is theta. Now if I am going to apply the method of joint then we can say that if it is my x-axis, if this is my x-axis and if this is my y-axis, so I can say here that summation of fy is equal to 0. So fob sin theta 0 hoga aur theta 0 hoga nahi because it is non-collinear member. So FOB को ही क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा बिकॉज theta is not equal to zero. And another thing is if you are going to apply summation of fx is equal to zero, तो यहाँ पे minus FOB cos theta minus FOA is equal to zero और FOB zero है अभी हम देख चुके हैं तो FOA को भी कितना होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा. It means if any two non-collinear members are meeting and no external joint is there, then both of these member are going to call as the zero force member. So this is my second corollary, or you can say statement number two. You can see that these statements are nothing but the application of method of joint. और ये चीज अभी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ ना, अगर आपने खुद से ही 10-12 क्वेश्चन मेथड ऑफ जॉइंट के लगा लिए होंगे ना तो आप बोलोगे सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसको लिखवाने वाली क्या बात है, ये तो कॉमन सेंस है, ये तो 11th का फिजिक्स है. ठीक है, बट ठीक है, किताबों में दे रखा होता स्टेटमेंट. ठीक है, तो पहले तो मैं लिखवाता भी नहीं था, मैंने कहा चलो ठीक है, आज कॉम्पिटिशन का जमाना है, कोई चीज़ बच्चों का मिस नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको लिखवा देता हूँ. क्लियर है कि नहीं है? ठीक, और इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. इन दो स्टेटमेंट के साथ साथ कॉमन सेंस हमेशा ओपन रखोगे आप लोग, ये नहीं कि जो ये दो लिखवाया है इन्हीं दो के मतलब बहुत ब्रॉड हो सकते हैं. ठीक है, जैसे आपको याद होगा थोड़ी देर पहले आपने बोला था मेरे को
कि सर बीए को जीरो कर दो। आपने मेरे को बोला था, विजय ने बोला था कि सर बीए को जीरो कर दो। तो यार ये भी तो स्टेटमेंट नंबर वन ही हो गई। अगर स्टेटमेंट नंबर वन क्या बोलती है, थ्री मेंबर्स, इट डजंट मीन दैट दीज थ्री मेंबर्स आर ऑलवेज इंटरनल मेंबर्स। ठीक है, यहां पे आप देखिए, इसको जब मैंने जीरो बोला तो बी जॉइंट को मैंने कंसिडर किया। यहां पे भी तीन चीजें होगी, बीसी, बीए और ए रिएक्शन। अब ये रिएक्शन और ये बीसी तो कोलिनियर थे और बीए जो है वो नॉन कोलिनियर था, इसीलिए इसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया, बिकॉज बीए वाज नॉन कोलिनियर। सो यू ऑलवेज हैव टू ओपन योर डोमेन इन ऑर्डर टू फाइंड और प्रेडिक्ट द जीरो फोर्सेस मेंबर, इजंट इट, इज इट क्लियर डियर? ठीक है चलो। तो एक क्वेश्चन करते हैं और आप मुझे बताओगे कि हाउ मेनी ऑफ दीज मेंबर्स आर जीरो फोर्सेस मेंबर। मजेदार क्वेश्चन दूंगा, एकदम शानदार एकदम। अगर सी पे एक्सटर्नल हिंज होता है, कौन सी सी, कौन सा सी डियर? सी पे, अरे सी पे हिंज ही है यार। बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट ईच एंड एवरी मेंबर इज जीरो फोर्सेस मेंबर, इजंट इट? अगर सी पे आप एक्सटर्नल हिंज सपोर्ट बना देते तब तो फिर ये इंडिटर्मिनेट हो जाता ना। पहले वो आपको इंडिटर्मिनेसी निकालनी होती, देन आपको इंटरनल फोर्सेस पता चलते डियर। ठीक है, ये ड्राइंग ही नहीं बन रही यार। चलिए हाँ बताइए आप कि इन ए गिवन ट्रस्ट हाउ मेनी मेंबर्स आर जीरो फोर्सेस मेंबर। आपको बताना है कि कितने मेंबर्स यहाँ पे जीरो फोर्सेस मेंबर होंगे इन द गिवन ट्रस्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच, इजंट इट? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्रफुल भाई ने चार लॉक कर दिया है, व्हाट अबाउट अदर्स?
विजय भी चार बोल रहे हैं, बी एच सी ई ए जी एंड बी एफ। ओके चलिए, चलिए देखते हैं। अब देखते जाइए, ई इज अ जॉइंट विच इज हैविंग थ्री मेंबर्स, ठीक है, तीन मेंबर है यहाँ पे, और यू कैन सी टू आर कोलिनियर एंड थर्ड इज नॉन कोलिनियर, देन दिस थर्ड मेंबर इज गोइंग टू एक्ट एज ई जीरो। अब प्रफुल, सबसे पहले तो जिस बीम का आपने डीएस निकलवाना है उसको मुझे वहां रख दीजिए, ग्रुप पे भेज दो, पहले कोई भी बीम बना करके मेरे को ग्रुप पे भेज दो। सो सी ई जीरो फोर्स मेंबर। ओके नाउ कम टू दिस एच जॉइंट, एच इज अ जॉइंट विच इज हैविंग थ्री मेंबर एंड आउट ऑफ दिस थ्री मेंबर्स टू आर कोलिनियर, देन बोथ ऑफ दिस मेंबर आर जीरो फोर्स मेंबर। ओके नाउ अगेन बी इज द जॉइंट विच इज हैविंग थ्री मेंबर एंड This is also zero force member. तो ये तीनों निकल गए, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया और एक तीसरा ये निकल गया, ठीक है। ओके एंड अदर देन दिस यू कैन सी दैट दिस इज ऑल्सो जीरो बिकॉज जी एफ इज गोइंग टू बैलेंस दिस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड वर्टिकल। अगर आप जी का एफ बी डी भी बनाओगे तो क्या लिखोगे, एफ जी इज इक्वल टू जीरो। ओके तो ये है मेरे पास सी, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, ठीक है। अब इसके अलावा मैं इससे ज्यादा यहाँ पे और कुछ भी और प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्लियर, ठीक है। कट लगाने नहीं आ रहे बीम पे, भेजा आपने क्वेश्चन भेजा मेरे को, चलो एक असाइनमेंट दे रहा हूं होमवर्क, वैसे तो कई लोग अभी कर लेंगे इसको। ये प्रफुल्ल का है क्वेश्चन, ठीक है, और पहले होमवर्क कर लेते हैं।
वेयर पी एंड क्यू आर नॉन जीरो फोर्सेस देन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है सर, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है क्या? नहीं नहीं अविनाश, इनडिटर्मिनेट नहीं है, आपको बस जीरो फोर्सेस मेंबर पे कमेंट करना है। ठीक है चलिए, तो ये हो गया अपना। ठीक है ठीक है विजय, ठीक है गुड, ठीक है चलिए। अमन कह रहे हैं सर मैं आपसे फोर्थ मेथड पढ़ा 2 दिन पहले। अच्छा आपने पुराना वीडियो देखा होगा डियर, है ना? ओह चलिए, कोई डाउट है डियर फोर्थ मेथड पे? हाँ सेशन लाइक कर दीजिए सब लोग, सेशन लाइक कर दीजिए। अच्छा ये कह रहे हैं प्रफुल्ल जी ने क्वेश्चन पूछा, अच्छा नहीं मजा आया तो डियर आप स्ट्रक्चर के और फैकल्टी है हमारी टीम में, आप उनका वीडियो देख लीजिए, है ना? आप और भी फैकल्टी है, अभिषेक सर के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे स्ट्रक्चर्स के, आप उनके देख लीजिए। ठीक है एंड आई लाइक योर ऑनेस्ट ओपिनियन, जो आपको अच्छा लगा आपने बोला। अच्छा प्लेलिस्ट ठीक कर दो, ठीक प्लेलिस्ट ठीक कर देंगे। अच्छा इसका देखो जवाब, ठीक है एक दो तीन, तीन कट लगा लीजिए ना। ठीक है हाँ कोई दिक्कत नहीं डियर, सब कुछ नहीं आ सकता समझ में, सबकी फ्रिक्वेंसी सबके साथ मैच नहीं होती है ना। मैं भी जब अपने ज़माने में पढ़ता था 10-12 टीचर्स हमें भी बीटेक में पढ़ाते थे, तो मुझे भी एक दो टीचर नहीं अच्छे लगते थे, तो इसमें ये नहीं कि वो टीचर ख़राब है या समझने वाला स्टूडेंट ख़राब है, तो इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ फ्रिक्वेंसी, सो इट्स हार्डली मैटर। इसलिए तो देखो ना एक ही चैनल में हम लोग आपको मल्टीपल एक ही सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स देते हैं कि चलो एक से फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही तो किसी और की हो जाए ना। इसको क्यों कट करोगे भाई आप, एक कट ये लगाओगे एक कट ये लगाओगे एक कट ये लगाओगे, टोटल 3 कट्स हो गए। मैं इसको जनरल लोडिंग के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, हो गया ना। ओके चलिए, एनीथिंग एल्स, कोई और डाउट किसी का? ये देखो ना हो गया ना, एक दो तीन चार, टोटल मेरे पास 4 सेगमेंट हो गए, और 4 सेगमेंट में मैं करेक्शन लगाता रहूंगा, 2 यहां लगाऊंगा एक यहां लगाऊंगा एक यहां लगाऊंगा एक यहां लगाऊंगा एक यहां लगाऊंगा, तो 1 2 3 4 5 6 और कट से 9, तो डीएस इसका 3 आ जाएगा। ठीक है चलो, अरे मैं क्यों नाराज हूँगा भाई तुमसे यार। चलिए डियर और कुछ? अरे नहीं यार ऐसे नाराज होने लग गए हम कमेंट पढ़ के, तो बस फिर पढ़ा लिया हम लोगों ने। ठीक है तो कल ना मेथड ऑफ सेक्शन स्टार्ट करेंगे, और एक आधा मिसलेनियस क्वेश्चन उठाएंगे पहले जीरो फोर्स मेंबर और मेथड ऑफ जॉइंट से, एंड आफ्टर दैट वी विल बी स्टार्टिंग द मेथड ऑफ सेक्शन नियर। ओके ठीक है, क्या कह रहे हो सपोर्ट इन द लास्ट
स्पैन जो भी हो सपोर्ट आपका लास्ट स्पैन पे, ये वाला कह रहे हो ना, ये तो आपका वो हो गया शियर हिंज वाला हो गया, ठीक है ये आपका हिंज है, तो आप इसको सबको ही क्या करना है फिक्स बनाना है, इसको ये फिक्स है इसको फिक्स बनाना है, इस वाली सपोर्ट को फिक्स बनाना है, इसको भी फिक्स बनाना है, सो इट इज रोलर, ठीक है। फॉर्मूला कहाँ से आया अविनाश जी, इसके लिए आपको पुराने लेक्चर्स देना होगा। हाँ अविनाश आप लेक्चर नंबर 1-5 देख लीजिए इसी वीडियो की प्लेलिस्ट का, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है उसमें आपको मिल जाएगा डियर, ठीक है। हाँ नोट्स का फीडबैक आपको दिया जाएगा, वैसे मैंने आपको बताया कि अच्छे लगे मेरे को पर्सनली नोट्स, अच्छे लगे आपके शॉर्ट नोट्स, डिटेल्ड वन है, ठीक है। तो मेथड ऑफ सेक्शन आप को कराया जाएगा कल, ठीक है। सो अगला कॉम्बैट रहेगा आपका 12 तारीख को सुबह 11 बजे, तो इसको मिस मत कीजिएगा, बिकॉज हेयर यू आर गोइंग टू गेट द चैलेंजिंग एंड ओरिजिनल गेट क्वेश्चंस विच आर क्रिएटेड बाय आवर बेस्ट एजुकेटर। एंड ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो आवर 1 year, 1.5 year एंड 2 year सब्सक्रिप्शन के कोस्ट ये रहे विद एन इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, और आइकॉनिक भी आपको देते हैं हम 1, 1.5 and 2 years पे विद एन इंस्टेंट 10% ऑफ, ओके। सो ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको फॉलो कर लीजिए, बिकॉज ऑल द डिटेल्स ऑफ लेक्चर्स एंड ऑल वी आर गोइंग टू सेंड हेयर। And thanks a lot, take care, stay safe, do not go outside if it is not required, okay? चलिए कल मिलते हैं इसी टाइम पे, thanks a lot.